बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए समरकंद पहुंचे हैं। वहां पर सबसे देरी से पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके पीछे भी कूटनीतिक वजह है। कूटनीतिक वजह यह है कि दरअसल भारत कोई संदेश देना नहीं चाहता, ना तो रूस को नाराज करना चाहता है, ना अमेरिका को किसी तरीके का संदेश देना चाहता है, इसलिए प्रधानमंत्री लेट से पहुंचे हैं। लेकिन इन सबके बीच मुलाकात जब होगी उनकी रूस के राष्ट्रपति से, तो बेहद खास होने वाली है मुलाकात। सागर, बिल्कुल, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी पहली राउंड की देखिए बातचीत फिलहाल हो चुकी है, लेकिन 8 ऐसे देश हैं जो इसके स्थायी सदस्य हैं। अगर हम बात करें रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर, जिस तरह से इस बैठक में चर्चा की जा रही है कि पूरी दुनिया भर में क्राइसिस दिखाई दिया, इसके साथ ही साथ कोरोना की वजह से भी हर तरफ त्राहिमाम का दौर जारी रहा, एक बड़ा नुकसान हुआ ऐसे में पूरे विश्व भर को, लेकिन कैसे उसकी भरपाई की जाए और कैसे आने वाले दिनों में वहां पर बेहतर तरीके से पूरे देश को चलाया जाए, क्योंकि यहां पर बात व्यापार को लेकर हुई, यहां पर बात कैसे सभी देशों के बीच बेहतर तालमेल हो इसको भी लेकर बातचीत हुई, और आने वाले समय में कैसे सभी देश मिलकर एक साथ चलेंगे इस पर भी चर्चाएं लगातार हो रही हैं। मीनाक्षी, बिल्कुल, इस बीच आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए और उन्होंने यहां पर क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनवाएंगे। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री के जो बोल है, क्या कुछ कहा है उन्होंने, ये आपको सुनवाएंगे। दुनिया इस समय खाद्य संकट का सामना कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ एक ये बड़ा स्टेटमेंट दिया है। देखिए, यूक्रेन युद्ध की वजह से सप्लाई लाइन पर असर पड़ा, अभी देखिए हमने जिक्र इस चीज का किया ही था कि किस तरह से यहां पर प्रभाव पड़ा, लेकिन क्या कुछ कहा पीएम नरेंद्र मोदी ने, जल्दी से आपको सुनाते हैं। एससीओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एससीओ के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देते हैं और विश्व की 40% जनसंख्या भी एससीओ देशों में निवास करती है। भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। एससीओ की भूमिका ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखा दें कि ये बैठक कितनी खास है, मुलाकातें कितनी है। मैं आगे का कार्यक्रम 2:15 पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के आधिकारिक बैंक्वेट में भी हिस्सा लेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। मतलब कि केवल देखिए लगभग 10 मिनट का वक्त बचा है। मीनाक्षी, वही 3:40 पर पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे, तो इस दौरान सबकी नजर रहने वाली है कि आखिरकार क्या बातचीत होने वाली है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ये जो पहली मुलाकात होने वाली है उसमें क्या कुछ होने वाला है। शाम 4:20 पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ भी द्विपक्षीय बैठक होगी, और तो और शाम 5 ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ भी पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक होगी। बिल्कुल, तो ये मुलाकातों का जो सिलसिला है एससीओ बैठक में इसी तरीके से जारी रहने वाला है। समरकंद से भारतीय समय अनुसार आज शाम 6:50 पर दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना भी हो जाएंगे, और इस तरीके से ये जो आज का कार्यक्रम है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। मुलाकातों का ये दौर जारी रहने वाला है। एससीओ जो समिट है इसमें जो देशों की बात करते हैं तो कुल 8 देश हैं। संभावना ये जताई जा रही है कि ईरान 9वां देश बन सकता है जो कि इसका स्थायी सदस्य हो सकता है। रुक करेंगे हमारे सहयोगी अजस्त्र पीयूष शुक्ला का। पीयूष जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पीयूष, जिस तरीके से ये बैठक हो रही है, मुलाकात हो रही है, सबसे पहले जो मुलाकात होने वाली है वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली है, और इसे लेकर के नजरें भी रहने वाली है कि आखिरकार इस मीटिंग में क्या कुछ होगा। हाँ बिल्कुल, ये द्विपक्षीय वार्ता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन के बीच होगी, और इस वार्ता पर नजर केवल भारत ही नहीं बल्कि समूचे विश्व की है। खास तौर पर देखें तो अमेरिका की भी नजर इस वार्ता और इस मुलाकात के ऊपर है, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन को लेकर अमेरिका ने अभी एक हाल में घोषणा की है कि वो अपनी युद्ध सप्लाई जो है यूक्रेन को नए सिरे से फिर से देने जा रहा, तो निश्चित तौर पर अब जब भारत और रूस के बीच में ये वार्ता होगी द्विपक्षीय, तो निश्चित तौर पर इस पर नजर अमेरिका की भी होगी और पूरे चुकी होगी, क्योंकि जिस तरह से रूस के और भारत के रिश्ते रहे हैं और पिछले दौरों को देखें, पिछले दशकों को देखें, तो सामरिक रिश्ते भी रूस के साथ भारत के बहुत व्यापक रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस वार्ता का कुछ असर जरूर पड़ता दिखाई देगा और हो सकता है इस वार्ता में रूस यूक्रेन युद्ध की भी चर्चा हो। मीनाक्षी, पीयूष,
जो मुलाकात हुई शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की, उस मुलाकात के बाद रूस की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह कहा गया कि रूस और राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि चीन और रशिया की जो दोस्ती है वो पहाड़ जैसी अटल है, ऐसी दोस्ती तो रशिया और भारत की भी रही है। क्या इसी तरह की बयानबाजी रशिया की तरफ से भी होगी, इसी तरह से आधिकारिक बयान आएगा? मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि भारत तटस्थ रहा है इस पूरे मसले पर, रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग छिड़ी है उस पर भारत का रुख तटस्थ रहा है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से भारत का रुख रहा है यूक्रेन और रूस की जंग के बीच में, उस दौरान और लगातार अगर हम देखें तो रूस के ऊपर पूरे वैश्विक प्रतिबंध लगे हैं। ऐसे में भारत भी समिट में जाने के पहले, ताशकंद में समिट हो रहा था तो भारत काफी देरी से पहुंचा, तमाम कूटनीतिक की वजह रही है। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों की जानकार जुड़ गए हैं। संजीव जी स्वागत है न्यूज इंडिया में। संजीव जी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव जी आपका नजरिया क्या कहता है, कितनी अहम है ये एससीओ की बैठक और इसके साथ ही साथ जो इसमें लगातार चर्चाएं चल रही हैं उसका दूरगामी क्या असर पड़ने वाला आने वाले समय में पूरे विश्व भर पे? देखिए एससीओ की ये जो बैठक है ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है जी। एससीओ आप जानते हैं कि पूरे विश्व की जनसंख्या का ये 40% कवर करता है। ईरान भी अब इसमें शामिल होगा तो इससे इसका ज्यादा और बढ़ेगा और जाएगा कि विश्व की 30% जीडीपी को ये कवर करता है। और भारत के जो सेंट्रल एशियन राष्ट्रों के साथ जो संबंध है उसको ध्यान में रखते हुए, अफगानिस्तान में जो तालिबान ने काबुल की सत्ता का फोर्सफुल टेक ओवर किया और उसके बाद जो आतंकवाद का खतरा बढ़ा है उसको ध्यान में रखते हुए, और पूरे भारत के मध्य एशिया और यूरेशिया के साथ व्यापार की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए बेहद आवश्यक है कि भारत एससीओ में अपनी एक सकारात्मक भूमिका निभाए। और ये जो बैठक होने वाली हो रही है इसमें जो भारत ने स्पष्ट किया था कि भारत का जो इकोनॉमी, ट्रेड, टूरिज्म, कनेक्टिविटी और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर होगा। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरह से अपने संबोधन को किया है उसमें उन्होंने जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप करने की जो उन्होंने बात रखी है उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत ये चाहेगा कि जो एससीओ के माध्यम से भी जो यूरेशिया के जो राष्ट्र हैं जिसमें कि सेंट्रल एशियन राष्ट्र भी शामिल हैं उनके साथ संबंधों को बढ़ाया जाए। लेकिन बिल्कुल देखिए संजीव जी, संबंध मजबूत हो, व्यापार को लेकर जो रणनीतियां बनाई जा रही हैं, जो विचार विमर्श किए जा रहे हैं वो भी धरातल पर बेहतर तरीके से आने वाले समय में दिखाई दे तो अच्छा होगा। शुक्रिया बातचीत के लिए न्यूज इंडिया में। हमारे साथ आदर्श पीयूष शुक्ला भी इस खबर पर जानकारी दे रहे थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।